हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में दोबारा आ चुका हूं अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। और अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वर्ल्ड में अपना एक घर बनाया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग एक फूड फार्म बनाने वाले हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, क्योंकि अभी मतलब हमारे पास विलेजेस नहीं है और बारिश का इंतजार था। और ये भैया क्या कर रहे हैं, बुर्ज खलीफा बना के। तो आज के इस वीडियो में हमें फूड फार्म बनाना है और उसको बड़ा अच्छे से डिज़ाइन करना है। वैसे डिज़ाइन तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी फूड फार्म बनाने से पहले मैं आपको छोटा सा प्यारा सा टूर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सवी फार्म दिखाता हूँ। यहाँ पर एक प्यारा सा, मतलब इतना प्यारा काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये रहा एक्सवी फार्म, और ये मैं सच्चे कह रहा हूँ बहुत प्यारा काम कर रहा है। और वैसे मैं आपको बताया नहीं कि मैं मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ऑफलाइन भी खेल रहा था। तो जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर, जो प्लेटफॉर्म था वो मैंने ऑफलाइन में कर रहा था, और यहाँ पर मैं थोड़ा माइन भी कर लेता मन ब्लॉक को, जिसकी वजह से मुझे दो सैपलिंग मिल गई थी। एक तो ओक की चेस्ट में मिली थी, एक ओक की और एक चेरी ब्लॉसम की। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों के दोनों लगा दी थी यहाँ पर। और अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ। मतलब ये घर पर मुझे सच कह रहा हूँ, मुझे घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं ऐसा करूँगा ना, आगे जाके मतलब कर सकता हूँ कि ये घर पूरा तोड़ के इसकी जगह दूसरा बनाऊंगा, या तो इसको छोड़ दूंगा, एक अपने लिए दूसरा बनाऊंगा, ये भैया को गिफ्ट कर दूंगा। ये घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर पहले सो जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर एक गुड नाइट हो चुका है हमारा, गुड नाइट करूँ, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आपको अभी चेस्ट रूम दिखाता हूँ, जो हमारा चेस्ट रूम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर मतलब ज़्यादा भी सामान नहीं, मतलब बहुत कम सामान है। तो यहाँ पर जैसे भी सामान दिखाता हूँ, मतलब एक ही चीज़ बोलने दिखाता हूँ, ये हमारा चेस्ट रूम है। मतलब सही है भाई, सामान रखते हैं यहाँ पर भैया, और क्या करना है। तो अभी मैं ऊपर से पूरा दिखाता हूँ लुक एक बार। यहाँ पर ऊपर से एक लुक दिखाता हूँ प्यारा सा। और यहाँ पर मैं बोल थोड़ा अजीब से रहा हूँ, तो थोड़ा माफ़ कर देना, मतलब अजीब से निकल रहा है, मतलब समझ रहा है यार, मतलब कुछ भी बोल दे रहा हूँ मैं। तो आप लोग ऊपर से देख सकते हो, ऐसा है हमारा वन ब्लॉक। और मैं आगे जाके जब हमारे पास आयरन फार्म बन जाएंगे ना, तो आयरन फार्म से और पत्तियों से तब प्यारा बनाने वाला हूँ ना इसको। मुझे पता है बहुत अभी दिख नहीं रहा है, बोला दिखने का अच्छा नहीं है वन ब्लॉक मेरा, लेकिन आगे जाके इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन करने वाला हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर मैं सामान ले रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल सामान नहीं है। मैंने सामान था नहीं, ऊपर रख दिया था, लेकिन वहाँ से भी गायब हो गया दोस्त। यहाँ पर पता नहीं किसने चुरा लिया, एक ही जाना हो सकता है जो सामान चोरी करते हैं। तो उन्हें भैया ने सामान ले लिया होगा, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो भी सामान लेते हैं मिल जाते हैं। ऐसे तो अभी बनाने के सिर्फ वुड चाहिए। चलो यहाँ पर टूल्स हैं, टूल्स लेता हूँ जब तक। अभी स्टोन के भी ले लूँगा, आगे जाके स्टोन बना लूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी कॉबल स्टोन का फार्म है पूरा। मतलब वैसा तो नहीं, हाथ से मतलब पिकैक्स से माइन करना पड़ता है कॉबल स्टोन, लेकिन अभी भी है उसका कॉबल स्टोन जनरेटर है हमारे पास, तो उससे कॉबल स्टोन मिल जाता है हमें। तो उसका कॉबल स्टोन का पूरा टूल्स बना लूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी हेल्थ फुल कर ली है, मतलब फुल तो नहीं करूँगा, ठीक ठाक कर ली है। तो यहाँ पर एक चेस्ट है, मतलब वुड का सामान कहाँ ही, चलो मिल गया, वुड का सामान मिल गया। और अभी थोड़ा वुड और माइन करना पड़ेगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। वैसे भैया से कह दूँगा मैं, भैया हम वुड माइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये और कुछ तो नहीं चाहिए, चलो अब चलते हैं सिर्फ बनाने के लिए। तो यहाँ पर अभी जाता हूँ, मतलब मैं अभी तो बताऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे एरिया है ना उसको और बड़ा करना है। तो यहाँ पर मुझे एरिया बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं ना इसके प्लैंक्स बनाता हूँ, और एक प्लैंक से क्राफ्टिंग टेबल, और फिर उससे स्लैब बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बन गए इनके प्लैंक। तो गाइस अब इसको थोड़ा ज़रा एरिया को एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है, इतने में तो बन ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ ना वैसा बनाने में, मतलब मुझे बड़ा एरिया चाहिए, तो इसको जल्दी से मैं बड़ा करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है गाइस, इसको बहुत बड़ा करना है मुझे। और यहाँ पर मैं कम से कम चार एरिया बनाऊंगा, मतलब चार जगह। ऐसे तो मुझे अभी तीन जगह बजाय, जैसे कि कैरेट, पोटैटो और बीट, तो इन्हीं चीज़ को करूँगा। चौथा काम में आएगा तो आ जाएगा, वैसे मैं चौथा बनाऊँगा, लेकिन लुक में थोड़ा अच्छा लगेगा ना चौथा। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर नंबर गिन गिन करना है, और जल्दी से मैं अभी ये पूरा भर के मिलता हूँ उसे दो मिनट में। तो गाइस यहाँ पर ये पूरा हो गया, मतलब पूरा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी मैं दो सिर्फ दो बनाने के लिए करें। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा वो मतलब वो लगा ले रहा हूँ, कितने से कहते हैं, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर ये दिखाने के लिए कितना कहाँ पर होगा, भूल गया कहते हैं उसे। तो यहाँ पर जल्दी से इसके निकाल लेता हूँ ब्लॉक्स का, कितना बनेगा, कितने में बनेगा। तो यहाँ पर दोबारा से गिनना पड़ेगा यार, एक दो तीन चार, तो ये ब्लॉक इधर हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे इसका सेंटर निकालना है, जहाँ पर वो फूड फार्म का वो बनेगा। तो ये सब बना के मैं मिलता हूँ आपसे सिर्फ दो मिनट में। तो गाइस मुझे यहाँ पर इसका सेंटर मिल चुका है, अब मुझे इसके चारों से एक एक ब्लॉक तोड़ने हैं। और मुझे पता है बन जाएगा तो थोड़ा दिखने का अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगा ना, तभी दिखने का थोड़ा प्यारा लगेगा। तो अब इसके चार तरफ से ब्लॉक तोड़ देता हूँ। अब उसके अंदर वो इसके जहाँ जहाँ मैंने ब्लॉक तोड़े हैं वहाँ वहाँ पर पानी डालना है। तो जल्दी से मैं पानी डालता हूँ, यहाँ पर वाटर बकेट भी भैंसे करना पड़ेगा, तो भैंसे वाटर बकेट लेके आता हूँ। तो गाइस वाटर बकेट तो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि जो मेरे भैया है ना, उनको कुछ काम के ऐसे वो मतलब अभी खेलेंगे नहीं, तो मुझे पूरा का पूरा जो फूड फार्म है ना वो मुझे अकेले बनाना पड़ेगा। तो अब मुझे उसके चारों साइड में चारों मतलब जहाँ जहाँ मैंने तोड़ा था वहाँ वहाँ पानी डालना है। तो अभी पूरा पूरा पानी डालता हूँ, और यहाँ पर उसे मिलता हूँ दो मिनट में। अरे ये क्या हो गया, अरे अच्छा हाँ यहाँ पर स्लैब्स लगे हुए हैं ना, तो मुझे हो जा भाई, अगर नहीं हुआ तो मुझे को पूरा तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई पूरा ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करता हूँ मैं पूरा मतलब बना के मिलता हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ पर मैंने पूरा चारों साइड पानी डाल दिया है, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर थोड़े ब्लॉक से ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर ब्लॉक लेके आता हूँ। यहाँ पर मुझे एंडेसाइट जैसे कुछ नाम, एंडेसाइट तो कहते हैं ऐसे,
मतलब मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर स्मूथ स्टोन तो नहीं चाहिए मुझे, कॉबल स्टोन का मुझे वो बनाना है, स्टोन बनाना है कॉबल स्टोन का। तो यहाँ पर इन दोनों को फर्नेस पर डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ पर एंडरसाइट को भी डाल दिया और यहाँ पर कॉबल स्टोन को भी डाल देता हूँ। अच्छा हाँ, ये कहाँ होता है स्मेल्ट, मैं भूल गया था, यहाँ पर ये स्मेल्ट नहीं होता है। तो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, यहाँ पर ये स्टोन कटर है, तो स्टोन कटर से आराम से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर निकाल देता हूँ, और इसको निकालने के बाद इसी से थोड़ा लुक आएगा ना उसका, उसे कहते हैं नाम भूल गया हुआ है, ऐसा नहीं क्या हो रहा है, हर किसी का नाम भूल जा रहा है, मतलब भूल जा रहा हूँ मैं चीज़ों का। तो आपको पता चल जाएगा आगे जाके जब ये बनेगा ना, तो आपको पता चलेगा। और ये बनने के बाद जो दिखेगा ना गाइस, मतलब जो मैंने दिमाग में सोच रखा है, दिखना तो अच्छा चाहिए, और देखते कैसा दिखता है, मतलब मुझे तो मेरे दिमाग में तो चल रहा है ना कि बहुत अच्छा लगेगा जब ये पूरा बन जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ ना एक बोर्ड भी बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा फूड या कुछ भी, मतलब लिखूंगा फूड टाइप। तो यहाँ पर ये हो गया, और मुझे पानी के ऊपर वो लगाना पड़ेगा स्लैब, जिससे पानी भी ना जाए और ये पानी का एरिया भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर स्लैब्स लगा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर स्लैब लगा दिया, अब यहाँ मुझे करना ट्रैप डोर लेने, और ट्रैप डोर मुझे चारों साइड लगाना है। अरे यार मैं शिफ्ट करके बैठा हुआ था तो ये उसके ऊपर लग गया, तो इसको तोड़ता हूँ और इसको मतलब यहाँ पर हटा देता हूँ, और ये हो गया। तो यहाँ पर चारों साइड मुझे ट्रैप डोर लगाना है, और एक बिल्कुल सेंटर में लगाना है मुझे इसके। तो सेंटर वाला लगा दिया, चारों साइड ट्रैप डोर लगाना है। और अब मुझे करना है, मुझे वहाँ से स्टोन भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी जाता हूँ, स्टोन लेके आता हूँ। तो यहाँ पर ये बन चुका है, अभी स्टोन लेने जाता हूँ यहाँ पर जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्टोन की वॉल और स्लैब लगा दी है, मतलब स्लैब कह रहा हूँ फैंस। तो अभी मैं यहाँ पर स्लैब लगाना है चारों साइड, और यहाँ पर स्टेयर्स होती है तो वो स्टेयर्स लगानी। तो यहाँ पर स्टेयर्स लेके आया था, मतलब कम ही है लेकिन सही है। तो यहाँ पर चारों साइड मुझे स्टेयर्स लगानी है, और ये जो पड़ी चीज़ ना यही उसको लुक तगड़ी देती है इस चीज़ को, तो आप लोग देखना। और अभी यहाँ पर मुझे डर्ट भी लगानी पड़ेगी, और वैसे डर्ट है नहीं, लेकिन जहाँ मैंने भैया के चश्मे देखा था ना, भैया इतने मतलब उनके चश्मे इतना सारा सामान भर रखा ना, आयरन एमरल्ड लेमन लैपिस इतना सारा सामान, मतलब कि सारा सामान तो उनके चश्मे ही था, और उनके इसमें डर्ट भी था। तो डट का मतलब वो डट का ना सामान तो सही है हमारे पास अभी, तो चारों में डट लग जाएगी आराम से। और जैसे कि पाँच या छः स्टैक नीचे रखा हुआ है, और तीन स्टैक उनके ऊपर रखा हुआ है। तीन तो यहाँ पर एक और दिन हो चुका है, और मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो इन सबको निपटाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। मैं मारना तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये निकलते नहीं ना, मारना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं तो। इस पहले तो सबको मारना पड़ेगा, तो यहाँ पर सोचता हूँ किसकी बारी आनी चाहिए। तो ये इसको ही मारते हैं पहले ब्राउन वाले को, और यहाँ पर मुझे पता है थूकेगा मेरे ऊपर। ये ले आई, मतलब क्या कर रहे हो, तुम्हें मरना ही तो है। अब जल्दी इसको भी टपकाता हूँ, और इससे चलो इससे एक चीज़ और मिल जाएगी, लीड मिल जाएगी हमें। मर जा भाई, भाई मार के गया, दोनों के दोनों एक ही मार के गए मुझे। तो छोड़ो, अब मुझे कहना है चारों साइड से ना, मुझे चार से ब्लॉक तोड़ने से 1 2 ऐसे करूँ, मुझे चारों साइड से तोड़ने हैं 3 4। अब मुझे कहना है मुझे लेफ्ट साइड दोनों से चार से ब्लॉक और तोड़ने हैं। तो यहाँ पर जल्दी से करता हूँ 1 2 और यहाँ पर 3 और ये 4। यहाँ पर हो गया, मुझे दूसरी साइड से भी 4 ब्लॉक्स और तोड़ने हैं। यहाँ पर मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखने का ये बहुत तगड़ा लगता है, मैंने मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत तगड़ा लगेगा जब चारों को चारों बन जाएंगे, और देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। तो मुझे चारों को मतलब यही चीज़ चारों को चारों में सेम करना। तो गाइस मुझे जहाँ मतलब चारों साइड से इतने ब्लॉक तोड़ने, तो मैंने तोड़ दिया। अब मुझे ये करना है ना, ये आपको बीच में जो ब्लॉक दिख रहे हैं ना, ये भी तोड़ने पड़ेंगे। तो जल्दी से इनको तोड़ता हूँ, और मिलता हूँ आपसे सिर्फ 2 मिनट में। तो गाइस फाइनली मैंने चारों साइड से ब्लॉक तोड़ दिए। अब मुझे करना है, मुझे यहाँ पर डर्ट लेके आना है, और यहाँ पर पूरे में डर्ट भरना है जितने ब्लॉक्स मैंने तोड़ लगे। तो जल्दी से यहाँ पर डर्ट लेके आता हूँ, और शायद से ये पूरे में 2 स्टैक तो डर्ट लगेंगे लगेंगे, जहाँ तो मुझे लग रहे हैं, हाँ जहाँ तो मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मेरे पास सीड भी नहीं है, मतलब पोटैटो और कैरेट तो है हमारे पास, लेकिन सीड्स भी नहीं है, तो सीड्स का भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 स्टैक ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक पूरा बनाना है। तो यहाँ पर जल्दी से निकलता हूँ, यहाँ पर पूरा डर्ट बनने हैं मुझे पूरे में। अरे ये क्या हुआ, मतलब एकदम से मेरी स्क्रीन को पता नहीं क्या हुआ, पूरा टर्न हो गया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ हैंग होगा। तो अभी मुझे पूरे में डर्ट बनना है, तो यहाँ पर जल्दी से डर्ट भरता हूँ मैं। और यहाँ पर कसम कर रहा हूँ, डर्ट बनने में मेरे को बहुत गंदा टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि मेरे पेस करने की स्पीड इतनी है नहीं, तो अब मुझे टाइम लगेगा। तो जल्दी से मैं कब मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। तो गाइस अभी यहाँ पे वुड चाहिए, वुड की कमी हो गई थी, और अभी भैया है नहीं, भैया होते तो मुझे वुड की कमी होती नहीं, कि वो वुड तोड़ देते हैं, लेकिन भैया को भी कुछ काम आ गया था, इस वजह से उनको भी जाना पड़ा। तो अभी मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, वैसे कोई नहीं, मैं कुछ काम मतलब काम बढ़ गया तो कोई नहीं, मेरे को सही रहेगा। तो यहाँ पर अभी वुड तोड़ लेता हूँ सारा का सारा, और इतने वुड से मतलब वो तो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, और बाकी मुझे और वुड भी चाहिए होगा, तो मुझे थोड़ा वुड और माइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से उठा लेते हैं उनको, और चलते हैं सीधे वुड लेने के लिए। और यहाँ पे ही देखो भैया गए हैं, तो क्या करके गए हैं, पोलर बियर को बोट में बैठा के गए हैं भाई, मतलब क्या करते हैं। और हमारा चेरी ब्लॉसम का पेड़ भी उग चुका है अच्छे से। तो यहाँ पर अब जल्दी चलते हैं, और यहाँ पर ट्री का मतलब वुड का काम खत्म करते हैं वहाँ पर। तो अभी चलते सीधे वहीं पर। तो वैसे भी मुझे पूरे में वो माननी पड़ेगी, और उसको मुझे फार्मिंग लिए बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं पोटैटो रखूँगा, लेकिन अबे यार मैं जितना काम कर रहा हूँ ये लोग उतना बना रहे हैं। तो वैसे ऐसे करता हूँ, मैं आपसे ये पूरा मिलके ही करता हूँ 2 मिनट में। तो वैसे यहाँ पर हो चुकी है रहा, तो मैंने यहाँ पर पहला वाला तो कम्प्लीट कर लिया पूरा पूरा, यहाँ पर दूसरा वाला रह गया है। तो अभी मैं सो के आता हूँ, फिर रात में कुछ काम करने का है नहीं, मेरा मूड नहीं, क्योंकि यहाँ पर मॉब स्पॉन होगा, सबसे गंदा चीज़ लगता है स्केलेटन और क्रीपर।
ये दो चीज़ ना मेरे को सबसे गंदी चीज़ लगती है, जब जल्दी सो जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमारी तीसरी मॉर्निंग हो चुकी है और उसको अभी पूरा कंप्लीट करना है। और गाइज सच्चे ता रहा हूँ, इसको पूरा मतलब दूसरे वाला बनाते बनाते मुझे 2 घंटे मतलब 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे होने वाले हैं मुझे पूरे। तो इसको पूरा जल्दी से बनाते हो, यहाँ पर चढ़ भी नहीं पा रहा हूँ यार। तो यहाँ पर कोई ब्लॉक निकालता हूँ, ब्लॉक से चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर डर्ट है मेरे पास, तो डर से जल्दी चढ़ता हूँ। मुझे इसके ऊपर अभी फेंस लगाना है, फेंस के बाद स्लैब से, और फिर इसको लुक देना है। और मतलब मेरे पास अभी वुड है, लेकिन मैं आगे जाके करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना ये जो ऊपर की चीज़ बना रहा हूँ ना, ये थोड़े अलग अलग वुड से बनाऊंगा, मतलब वुड की चीज़ों से। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर स्क्रूज़ का है ना, तो उसको चेरी के उससे करूँगा, किसी को ओक से। और वैसे अब मेरे पास चेरी और ओक दोनों आ चुका है, तो अच्छा लगेगा दिखने का। तो आप इसको जल्दी से बना देता हूँ, इसको पूरा करता हूँ, दूसरे को करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको बना देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते करते, और पता नहीं अभी मुझे दो और बनाने, उसको डे मतलब थोड़ा दिखाने का अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, और ज़्यादा मैं ऑफलाइन करूँगा बाद में जाके, क्योंकि गाइस ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है, मतलब उसमें वुड वुड माइन करने में से ईजी रहता है। और अगर रिकॉर्डिंग में करूँ ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जितने के मेरा फ़ोन सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन करता हूँ, मेरे भाई भी चीज़ें ऑफलाइन ही करते हैं, क्योंकि वुड वुड माइन करना पड़ता है ना, और कभी कभी कॉबल स्टोन भी माइन करना पड़ता है। तो वुड और कॉबल स्टोन माइन करने के लिए मैं ऑफलाइन में ही करता हूँ। तो वैसे यहाँ पर मैंने भी डर्ट और ग्रास लगा दिया, और बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ग्रास को लगा दो क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है और ये हमें आगे जाकर काम आएगी। लेकिन गाइस मैं इसलिए लगा लूँगा, मेरे पास सीड है नहीं, और वैसे मैंने 3 बचा के रखी है कि यू नेवर नो पता नहीं कब काम आ जाए, तो इसलिए मैंने 3 बचा के रखी है। और वहाँ पर हमें सीड की ज़रूरत है, तो सीड्स भी चाहिए होगी, तो यहाँ पर जल्दी से बोन मिल ले आता हूँ, क्योंकि हमारा बोन तो पड़ा होगा, बोन से बोन मिल जाएगा, फिर हमें सीड मिल जाएगी अच्छी खासी। तो यहाँ पर जल्दी से बोन निकाल देता हूँ जितना भी बोन है यहाँ पर, और फिर जल्दी से इस बोन से मुझे बोन मिल मार के बोन मतलब बोन मिल बना के ग्रास में मारनी पड़ेगी, इस वजह से मैंने वो निकलेगा, उससे कहते हैं सीड्स, सीड्स मिलेंगे, सीड की वजह से हमारा वीट बनेगा, फिर हो जाएगा सही। तो यहाँ पर अभी वैसे भी ग्रास ब्लॉक्स ऐसे मुझे और मिलेंगे, क्योंकि चेस्ट में मिलते हैं ना ये, और माइन तो अंदर नहीं पड़ता, चेस्ट में मिलते हैं हमें, तो ये हमें और भी मिल सकते हैं। तो अब जितनी भी सीड्स मिलती हैं आप सीड्स निकाल देता हूँ, ऐसे अगर मुझे थोड़े मिलते हैं ना, थोड़े से भी बहुत हो जाती है सीड्स की, जब उनके ना वीट लगाते हैं, वीट एक वीट हमें 3 सीड देती है, तो वो बहुत काफ़ी होता है। यहाँ पर डाई भी मिल रही है हमें, ब्लू येलो वाइट डाई मिल रही है, तो इन सबको तोड़ता हूँ मैं आपसे और मिलता हूँ 2 मिनट में। तो गाइस फाइनली ये पूरा बन चुका है, पूरा तो नहीं बने, और मुझे यहाँ पर कम से कम 5 से भी ज़्यादा घंटे लग चुके हैं। तो यहाँ पर आप दिखाता हूँ 1, 2 और 3, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं भी वुड मतलब वो बनाऊंगा, बोर्ड कहेंगे बोर्ड, और उसमें लिखूंगा वुड, कुछ भी लिख दूंगा, मतलब वुड वुड से ऐसा। तो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने इसको जो ऊपर का देख रहे हो आप लोग, ऊपर का जो बना रखा था उसके दो जगह का मैंने वुड चेंज कर दिया, एक का चेरी ब्लॉसम वाला लगा रखा है और एक का ओक वाला लगा रखा है। और आपको कमेंट मतलब यहाँ पर एक कमेंट बताना है कि आप कैसा बनाए, कैसा लग रहा है आपको। और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल बना दिया मैंने, मतलब मैंने सही नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं बनाऊंगा, मुझे लगा अच्छा नहीं लग रहा बीच में, तो मैंने बना दिया, लेकिन अब इसकी वजह से जगह कम पड़ गई है बीच की। तो कोई नहीं, हम लोग साइड से भी जा सकते हैं आराम से, और यहाँ से हम लोग अंदर जाकर सामान ला सकते हैं आराम से। तो वैसे आपको कमेंट में बताना है कैसा लगा ये, तो अभी वीडियो को एंड करनी पड़ेगी हमें। तो गाइस आपको कमेंट में बताना है आपको कैसा लगा फूड फॉर्म मेरा, और गाइस कह रहा हूँ मतलब कि इसको बनाने में इतना टाइम लग चुका है ना, पूरा थक चुका हूँ। और भैया भी नहीं था, भैया होते तो थोड़ा जल्दी बन जाता है, कुछ सामान की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि हमें लीव्स लाने पड़े ना, तो उसमें दिक्कत हो गई थी कि इसमें माइन करना पड़ा, 2-3 ट्री तो लीव्स की लग गई थी। तो अगर आपको रिजल्ट से भी अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में। बाय बाय।